हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल और स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पनीर। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। यह मार्केट की पनीर है, आप चाहे तो घर की भी में भी बना सकते हैं। तो पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पनीर में थोड़ा सा भी पानी है तो आप उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। छोटे टुकड़ों में पनीर को काट लिया है मैंने। अब मैं एक मिक्सी का जार लूँगी और सारे पनीर के पीसेस को इसमें डाल दें। इसका मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे एक बार इसको चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो एक बार चला लिया है मैंने स्मूथ, हमारा ये जो पनीर है बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो सारे पनीर को पहले हम इसी तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए पनीर हमारी निकल चुकी है प्लेट में। अब हम जो है चीनी को मैंने पाउडर बनाया है, मिक्सी के जार में मैंने चीनी को पीस लिया है। 200 ग्राम पनीर में हम 3 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 3 चम्मच चीनी का डाल दिया है मैंने। चीनी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये 1/4 कप मिल्क पाउडर है, आप इसके जगह नारियल का को भी डाल सकते हैं। तो मिल्क पाउडर हमारा मीठा होता है, इसीलिए मैं चीनी कम डाली हूँ। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई के गर्म होते ही 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दें। देसी घी के मेल्ट होने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और जो हमने पनीर, मिल्क पाउडर और चीनी को मिला के रखा था इसे कढ़ाई में डाल दें। इसे डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि ये जो चीनी है हमारी बिल्कुल पिघल नहीं जाती। तो जैसे जैसे आप इसे चलाएँगे ये डो के फॉर्म में आता जाएगा। डो के फॉर्म में आने तक इसे आप 4 से 5 मिनट तक आपको लगातार चलाना है। तो पहले हमारी चीनी मेल्ट होगी। तो चलिए इसे लगातार चलाना स्टार्ट किया मैंने और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो इसे चलाते हुए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये लिक्विड की फॉर्म में आने लगा है। तो बस लगातार लो फ्लेम पे चलाते रहिए, धीरे धीरे करके ये जो है एक डो की फॉर्म में बनता चला जाएगा। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट लगता है इसमें, बस आपको चलाते रहना है तब तक जब तक कि जैसे एक आटा होता है ना, बस उसी तरीके से ये जब तक बन नहीं जाता। तो इसे चलाते हुए 3 मिनट हो गया है। 3 मिनट के बाद ये सूखना शुरू हो गया है और ये डो के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे आप जो है चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मैं इसमें इलायची पाउडर का यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल दें, तो मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। मिला लें इसे, इससे क्या होता है ना इसकी खुशबू अच्छी आती है। इलायची पाउडर से मिक्स किया मैंने और इसे 1 मिनट तक हम और पकाएंगे, जब तक कि ये कढ़ाई ये देखिए छोड़ दिया है। तो ये बन के तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसे ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए आप चाहे तो पंखे के नीचे इसे रख दें और आप चाहे तो इसे 10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे पंखे के नीचे रखूँगी। बस इस तरीके से रख दें पंखे के नीचे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है। इस जो पनीर का मिश्रण हमने बनाया था मिल्क पाउडर का, इसमें पिस्ता डाल देंगे। आप चाहे तो पिस्ते की जगह जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो उसको भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम ये जो इसको मिला लेंगे। तो ये बिल्कुल खोए की तरह लग रहा है ना, देखिए पनीर से हमने कितना अच्छा बनाया है। तो इसे अच्छी तरीके से बस मिला लिया। इसे मिक्स करने के बाद हम जो है इसमें अब हम इसका बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है और ये ड्राई जो है रोज़ लिया है। इसको मैंने घर में ही सुखा लिया है थोड़ी देर के लिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ये, और ये मेरा है मोदक मोड़, तो जिसमें हम मोदक बनाएंगे। तो पहले जो गुलाब को हमने गुलाब लगा देंगे इसमें ताकि इसे देखने में अच्छा आए। तो 2 से 3 बस गुलाब की पत्तियां मैंने सूखी हुई रखी और बारीक कटा हुआ पिस्ता रखा। अगर आपको इस तरीके से नहीं पसंद है तो आप इस गुलाब को हटा सकते हैं। तो ये जो डो हमने बनाया था उसका छोटा सा पार्ट लेंगे हिस्सा, और ये जो मोदक मोड़ है इसमें लगा देंगे, बाकी का एक्स्ट्रा बाहर निकाल दें।
बहुत ज़्यादा ना रखें, डालें इसमें जितनी जगह हो उतना ही डालें। तो फिर मैंने डो लिया और मोदक मेकर में लगा दिया। तो बस अब इसे बंद कर दें और जो बाहर एक्स्ट्रा आपको डो दिख रहा है इसको अपने हाथों से अच्छे से निकाल लें और नीचे के साइड पे इसे चिकना कर लें। तो अब इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एक मोदक बन के तैयार है। साइड से भी इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दें अपने हाथों से। मोदक हमारा रेडी है, एक मोदक बन के तैयार है। अब मैं आपको दूसरा मोदक भी इसी तरीके से बना के दिखाती हूँ। रोज़ पेटल डालें, पिस्ता डालें और थोड़ा थोड़ा जो है मोदक का ये जो हमने बनाया था मिश्रण इसे डालें। तो बाकी का एक्स्ट्रा को बाहर निकालें और दोनों साइड पे अच्छे से इसे लगा दें। तो दोनों साइड लगाया मैंने, अब इसे हम बंद कर देंगे। बंद करते समय थोड़ा सा हल्का सा दबा दें ताकि इसकी सेव अच्छी आए और बाकी का एक्स्ट्रा दो बाहर निकाल दें। तो अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मोदक हमारा बन के तैयार है। साइड से फिनिशिंग की मैंने अच्छी सी, जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल दें। और ये मैंने आपको तीसरा मोदक बना के दिखाया है। ना आसान मोदक बनाना, तो देर किस बात की, आप भी इसे बनाइएगा। सभी मोदक को मैंने बना के तैयार कर लिया है। मोदक हमारे बन के तैयार है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और आप चाहे तो मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।